हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आप कैसे पहचाने कि आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आपसे चीट कर रहा है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद अब मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ कि लड़कियों में कैसे पहचाने कि वो आपसे चीट कर रही हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट फीमेल इमोशंस, इट्स अबाउट मेल इमोशन ऑल्सो। और जब आप किसी लड़की पे या किसी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं, आपको लगता है हाँ ये मेरी ड्रीम गर्ल है, लेकिन उसके बाद वो आपको धोखा दे जाए या आपके साथ कंटिन्यू ना करें, तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। कैसे पहचाने कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ चीटिंग कर रही है या उनका कहीं और भी कुछ खिचड़ी पक रही है, मैं आपको बताने वाली हूं। तो हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, और करना क्या है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, एक भी टिप मिस नहीं होनी चाहिए। साथ साथ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। तो चलिए, मैं बात कर रही थी कि कैसे पहचाने मेरी गर्लफ्रेंड मेरी वाइफ मेरे साथ धोखा कर रही है या हो सकता है वो कहीं और भी डबल डेटिंग कर रही है। पॉइंट नंबर वन, अगर आपको ये नज़र आता है कि वो अपने सेलफोन्स को लेकर, अपने लैपटॉप को लेकर या अपने रीचेबल कंटेंट को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव होने लग रही हैं, वो किसी को दिखा नहीं रही हैं, अपनी पिक्चर्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही हैं, पोसेसिव हो रही हैं, तो समझ लीजिए दैट देयर इज़ समथिंग बिग गोइंग ऑन। सेकेंड टिप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा अपनी अपेयरेंस पे ध्यान देने लगी हैं, स्पेशली फीमेल पार्टनर्स, क्योंकि फीमेल हैज़ दिस साइकोलॉजी कि वो अगर किसी को इम्प्रेस करना चाहती हैं तो वो अपनी अपेयरेंस पे, अपने हेयर्स पे, उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं। तो अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बन ठन कर रह रही हैं या उनका ड्रेसिंग चेंज में एकदम से कोई चेंज आया है, वो अपने आप से सेल्फ इम्पॉर्टेंस पे बहुत ज़्यादा केयर करने लगी हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई इशूज़ हैं और हो सकता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। थर्ड पॉइंट इज ऑलवेज अबाउट टाइम, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि रिलेशनशिप की सबसे बड़ा एफर्ट होता है टाइम। अगर आपको लगता है कि उनके कॉल्स बहुत ज़्यादा बिजी जाते हैं या नाइट टाइम पे वो किसी के साथ लगी हैं या टेक्स्ट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चिट चैटिंग और फिर आपको फ़ोन नहीं दिखा रही हैं, देन देयर इज अ सिग्नल दैट समथिंग एल्स। इट कैन बी अ हेल्दी फ्लर्टिंग, लेकिन हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत हो रही हो। फोर्थ बिग रीजन इज ओवर पोसेसिव फॉर फाइट्स, मतलब कुछ छोटी छोटी बातों में आपकी कमियां निकालने लग जाना या उस पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई करने लग जाना और फिर दो तीन दिन आपसे बात नहीं करना, मतलब कुछ भी इतनी बड़ी डील नहीं होगी लेकिन फिर उसके लिए एंग्री हो जाना या फिर अपने फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा बहाना देने लग जाना कि वो शायद बात नहीं करने दे रहे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, सो दिस इज अ सिग्नल कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है या वो आपसे ऊब चुकी हैं या वो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड सी नहीं है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर आपको लगता है कि आपकी फीमेल पार्टनर अब आपसे उतना इमोशनली इंटरैक्टेड नहीं है, जैसे आप पहले बात करते थे तो वो खुद मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोल रही हैं या इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, आपके घर वालों की बहुत ज़्यादा केयर कर रही है या फिर कुछ भी पहनने से पहले या कुछ भी चूज करने से पहले आपका ओपिनियन लेने लगी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मोर ओवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है एक्सेसिव हैप्पीनेस एंड एक्सेसिव सैडनेस। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप नॉर्मल है लेकिन वो आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव है या बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल डाउन है जबकि आपका रिलेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसका मतलब है कि उनके इमोशंस कहीं और से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं और वो वहां से ये इंपॉर्टेंस लेने की कोशिश कर रही है। हर रिलेशनशिप के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ट्रस्ट, टाइम, एफर्ट, और हमेशा ये समझिए कि अगर कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, आपको ये बोल रहा है तू किसी लाइक नहीं, आप तेरे अंदर वो बात नहीं रही है, देन इट इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट मोर इंटरेस्टेड इन यू। मुझे पता है ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत जल्दी लाऊंगी एक वीडियो कि अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो कैसे ओवरकम करें या ब्रेकअप हुआ है तो कैसे ओवरकम करें। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और ये भी बताएं कि आपने उसे ओवरकम कैसे किया है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर कनेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। बहुत जल्दी एक और वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।